हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त राम गणेश। आपका स्वागत है हमारे एक नई रेसिपी ब्लॉग में। आज हम बना रहे हैं समोसे ब्रेड का मसाला, और हमने आलू पहले उबाल लिया और छील रहे हैं बैठ के। आपको हम डायरेक्ट दिखाएंगे समोसे का मसाला, ब्रेड का मसाला कैसे बनता है। दोनों बनते एक ही विधि से हैं, बस बनते अलग अलग तरीके से हैं। तो हमने आलू ले लिए हैं, आलू हम फोड़ रहे हैं छील के, उसके बाद आपको मसाला बना के दिखा रहे हैं एंड टू एंड। ठीक है फ्रेंड्स, हमने तेल डाला है और अब इसमें डाल रहे हैं साबुत धनिया। अब इसे हम समोसे का मसाला बना रहे हैं, और बहुत बेहतरीन मसाला बनाएंगे। जैसे कि अच्छी अच्छी जगह क्वालिटी का मसाला डलता है, वो आप इसमें सबको डाल रहे हैं। ये देखिए, ये हमारी हमने साबुत धनिया डाल लिया है। आपको इस बात का भी ख्याल रखना है कि ये साबुत धनिया आपको थोड़ी लालपन में करनी है फ्राई करके। ठीक है, इसे लालपन में सीखोगे आप तो आपको ज़्यादा बेहतर रिजल्ट मिलेंगे। और इसके बाद आपको डिप में बता दूंगा कि क्या क्या कितना डालना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने साबुत धनिया डाली है, और हम कम से कम 15 किलो आलू का मसाला बनाएंगे। ठीक है, तो इसे थोड़ा लाल हो जाने दीजिए, उसके बाद मैं आपको वो दिखाऊंगा। देखिए फ्रेंड्स, हमने हरी मिर्च डाल ली है और हरी मिर्च पे हम फ्राई कर रहे हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हरी मिर्च पे हम फ्राई कर रहे हैं। अब हमने इसमें डाल दिए मटर डाल दिया हमने। अगर आप पनीर डालना चाहते हो तो पनीर ऊपर से डाला जाता है, आप चाहे तो इसमें डाल दें, चाहे आप अलग से डाल दें पनीर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती फ्रेंड्स। अब इसे हम फ्राई कर रहे हैं मिर्ची को। ये देखिए, हम मिर्ची को फ्राई कर रहे हैं अच्छे से। हमने मसाले उससे अटक रखे हैं सारे। ये देखिए, हमने इसमें हल्दी डाली। हल्दी को हम भूंज रहे हैं लगभग, हम मसाले जो अपने वो भूंज के ही डालते हैं, उससे बेहतर और बहुत बेटर क्वालिटी का स्वाद मिलता है हमें। अब देखिए, हमने आलू डाल दिए अपने 15-20 किलो जो है हमारे, हमने ऐड कर दिए इसके अंदर। अब हम मसाले से मिक्स करेंगे और मसाले भी और लगाएंगे अपने। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से आप कभी समोसे का मसाला बनाएंगे तो उसमें जो स्वाद होगा वो बेहद अच्छा और बहुत अच्छी क्वालिटी का बनेगा। जैसा आप लोग बाज़ार वगैरह में खाते हैं, वही सेम टू सेम स्वाद आएगा आपको इस मसाले में। ये देखिए, हमने लाल मिर्च डाली है पाउडर, चाहे आप इसमें कुटी भी यूज़ कर सकते हैं, जैसा आप चाहो वैसे कर सकते हैं। ये डाला हमने धनिया। देखिए, ये डाला हमने काला नमक, काला नमक डाला है फ्रेंड्स। ये डाली हमने इस पर कस्तूरी मेथी, इसमें हमने लगा दिए। तो ये डाला हमने इसमें गरम मसाला फ्रेंड्स, गरम मसाला हमने डाल दिया। अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, इस तरीके से इसे आपको अच्छे से मिक्स करना है फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, आपको इस तरीके से बहुत अच्छे से मिला लेना है। इसके नीचे गैस जल रही है, इसे आपको भूंज लेना है और आपको थोड़ा टेस्ट करके देख लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें बनाने जा रहे हैं समोसे ब्रेड में चलने वाली सब्जी। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने तेल गरम कर दिया है। अब हम इसमें आपको सबसे पहले हम इसमें जीरा ऐड कर रहे हैं। ठीक है, समोसे में चलने वाली सब्जी बना रहे हैं। आप देखते रहिए और समझते रहिए कैसे बना रहे हैं हम। अब जीरे को हम फ्राई कर रहे हैं अच्छे से। देखिए, इस तरीके से हम जीरा फ्राई कर रहे हैं। फिर हमने ये डाला है अपना
हरी मिर्च का पेस्ट, इसे भी हम भूंज रहे हैं। इस तरीके से आपको भूंज लेना है। सारे मसाले हम इसी में भूंजेंगे, आपको दिखा देंगे सारा कुछ, बता भी देंगे आपको सारा कुछ। ठीक है, ये देखिए हमारे टमाटर, टमाटर हमने डाल दिए इसमें भूंजने के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, टमाटर डाल दिए, इसमें लाल मिर्च डाल दिए। देख फ्रेंड्स, हमने इसमें लाल मिर्च डाल दिए, पिसा हुआ धनिया डाला हमने, हल्दी डाल दी हमने, नमक भी डाल दिया हमने इसमें काला, और इसमें हम डाल रहे हैं सफ़ेद नमक टाटा वाला अपना। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सारे मसाले ले लिए। देखिए फ्रेंड्स, सारे मसाले ले लिए, अब इसे हम भूंज रहे हैं। ये डाला हमने इसमें कस्तूरी मेथी, और इसे हम फिर भूंज लेंगे बढ़िया से इस तरीके से। इस सब्ज़ी में अभी हमने डाला अमचूर, और इसी में हम नाम के लिए गरम मसाला भी लगा देंगे, वो गरम मसाला आप लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये पानी हम इसलिए डाल देते हैं कि हम बिजी होते हैं हल्का फुल्का, तो उसमें पानी लगा के उसे रोक लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए हमने डाला इसमें दही, जो हमने दही ऐड कर दिया। सब्जी ऐसे नहीं बन जाती फ्रेंड्स, समोसे की, समोसे की सब्ज़ी में सामान भी डलता है, तो उसका थोड़ा सा स्वाद भी उसका बहुत अच्छा आता है फ्रेंड्स। ये कढ़ाई भर के हम समोसे की बनाएंगे सब्जी, तो हमारे पास काम थोड़ा ठीक ठाक है, और अब दूर दूर से लोग हमारे पास खाने के लिए आते हैं समोसे वगैरह। देखिए फ्रेंड्स, सब्जी को बढ़िया से बनाने के लिए हम इसमें सारे मसाले ऐड कर दिए हमने इसमें, और उसे हम भूंज रहे हैं फ्रेंड्स। ठीक है, इसे भूंज रहे हैं हम, उसके बाद इसमें हम आलू डालेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमने मसाले में आलू पलट दिए, वो सीन में से मिस हो गया। अब इसे हम आलू को मिक्स कर रहे हैं इसमें। ये देखिए मसाले से, मगर ये इसमें आलू डाल के हम इसमें पानी भी ऐड करेंगे, सब्जी हमारी तैयार बनेगी। वो तो हम आलू को मिक्स कर रहे हैं इस मसालों में। देखिए इस तरीके से फ़ायदा ये होता है कि आलू टूट जाता है बढ़िया, मसाले इसमें बढ़िया ऐड हो जाता है, और उसके बाद इसमें हम पानी डाल के इसे बढ़िया से उबालेंगे। समझ लो, उबालने पर आपको सब्ज़ी का नमक टेस्ट करना है, और आपकी सब्ज़ी समझ लो बन गई। देखिए, आपने इस तरीके का एक अनजान तरीका आज तक नहीं देखा होगा, ये प्योर हलवाई स्टाइल है। ये देखिए हमने इसे पानी ऐड करा, अब इसे हम उबालने के लिए छोड़ेंगे, और इसे चलाते रहेंगे बीच बीच में, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें आलू डले हैं, मसाला है, क्योंकि लग जाती है कढ़ाई में। अगर आप इसे बिल्कुल छोड़ दोगे, जैसे आप घर में छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं है। इसमें समोसे मसाला भी डला हुआ, सब कुछ ऐड है, आलू है, हल्का फुल्का जल लग जाएगा अगर इधर गैस नीचे चल रही है। इस तरीके से आपको इसे मिलाकर उबलने के लिए उबालना है। ठीक है फ्रेंड्स, समझ रहा, उबाल आने पर सिर्फ 10 मिनट और गर्म करें, उसका इसे उतार लें। देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्ज़ी में उबाल आ गया, अब हम 10 मिनट और चलाएंगे इसे, उसके बाद इसे हम बंद करके अपने पतीले में उतारेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारी सब्ज़ी बिल्कुल बढ़िया से उबल गई है, अब हम इसे अपने पतीले में निकालेंगे, और सब्ज़ी कढ़ाई भर के बनाइए। ये देखिए हमारे पास बहुत ठीक ठाक काम है, हम क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों ज़्यादा बढ़िया देते हैं, तो हमारे पास काम भी ठीक ठाक है, हमारा माल भी बहुत सारा बनता है। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरीके से हम निकाल रहे हैं, हमारी सब्ज़ी तैयार हो गई। देखिए सब्ज़ी की फिनिशिंग देखिए कितनी बेहतरीन लग रही है, देखिए आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, दूर से आपको पता लगा कि सब्ज़ी में दम कितना होगा। अभी देखिए फ्रेंड्स, आपको ऐसे ब्रेड लगा लेने पर भरनी है, बड़ा उठाइए आलू को, मतलब मसल लीजिए हाथों से, और ऐसे चिपकाइए, लगाइए आलू को। ठीक है फ्रेंड्स, इस तरीके से आपको ब्रेड भर लेनी है। उसके बाद आपको फ्रेंड्स सारी ब्रेड को सीरियल वाइज रख कर काटना है। ठीक है फ्रेंड्स, देख लीजिए हम कैसे काट रहे हैं। इसी तरीके से आपको भी ब्रेड आराम से काट लेनी है। देखिए ये देखिए ब्रेड, इस तरीके से आपको ब्रेड अच्छे से काट लेनी है। देखिए
ये देखिए फ्रेंड्स, आपको इस तरह से ब्रेड काटे हैं बढ़िया से। ये देखिए इस तरह से हमने सारी ब्रेड काट लेनी है। चलिए फ्रेंड्स, हमने ब्रेड तो काट ली, अब आपको दिखा रहे हैं बेसन लगा के। तो हमने बेसन डाला है, बेसन में हमने मीठा सोडा डाला है, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद हमने इसमें अजवाइन भी डाली है। तो सबसे पहले आपको थोड़ा सा पानी डाल के बेसन को घोलना है। इससे क्या होता है, टाइट बेसन घोलने से आपके जो जितने भी मोटे मोटे डेले होते हैं बेसन में वो सारे फूट जाएंगे। और उसके बाद पानी डाल के हम इसको लेवल में रखेंगे, ठीक है। आपको इस बात का ध्यान रखना है, हमने इसमें मीठा सोडा, नमक और अजवाइन लगा दिए और अच्छे पड़े गाढ़ा बेसन घोलें ताकि बिल्कुल फर्स्ट क्लास ये बेसन की गांठें फूट जाएँ। और उसके बाद हम इसे में पानी डालेंगे, देखते रहिए आप फ्रेंड्स। ये देखिए फ्रेंड्स, हम बिल्कुल इसमें पानी डाल लिया है। ये देखिए इसमें हल्का फुल्का पानी और लगाएंगे अभी हम। ये देखिए हमारा बेसन बिल्कुल फर्स्ट क्लास घुल गया, एक नंबर का। ये देखिए फर्स्ट क्लास बेसन घुला हमारा। अब हमारा बेसन तैयार हो गया ब्रेड के लिए। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें तल रहे हैं अपने ब्रेड पकौड़े। देखिए आप, हमारे ब्रेड पकौड़े एक नंबर के तले जाएंगे, देखिए। और हो सके तो साथ में कोई बंदा रख लीजिए, उससे आप फटाफट पलटते रहें ब्रेड, क्योंकि ब्रेड पकौड़े एक तरह से सीख के तुरंत दूसरे साइड से ना डालें, नहीं पलटें तो ये बेसन में छटक आ जाती है और ब्रेड पकौड़े की थोड़ी फिनिशिंग में डैमेज हो जाती है। इस चीज़ का आपको खास ख्याल रखना है। फिनिशिंग आजकल ज़माना है सुंदरता का, सुंदरता चीज़ नहीं है तो फिर मज़ा ख़राब हो जाता है हर चीज़ का, ठीक है। इस तरीके से आप इसे पलटते रहें हल्के हल, देखिए इस तरीके से। और आप चाहें तो हाफ़ फ्राई और आप चाहें तो फुल फ्राई करके निकालें, मगर हमारी माने तो हाफ़ फ्राई पहले निकालें इस तरीके से और फिर ही फुल फ्राई करें, इस बात का आप ख्याल रखें। बेसन का आइटम में भी हाफ़ फ्राई ज़्यादा बेटर रहता है, हाफ़ फ्राई से की क्वालिटी और टेस्ट दोनों बहुत अच्छा हो जाता है। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए इस तरीके से आपको इसमें निकालने सारे ब्रेड। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने हाफ फ्राई सारे ब्रेड पकोड़े एक साथ कढ़ाई में डाल दिए और हल्का पानी छीटा मार के ये सारे हम ब्रेड पकोड़े तल रहे हैं। आप देख सकते हैं एक साथ सारे ब्रेड पकोड़े तल रहे हैं। अभी हम पूरा पका के कस्टमर को सर्व करेंगे। देखिए आप, हमारे ब्रेड पकोड़े कितने अच्छे बने हैं, जबकि यहाँ लाइट फिनिशिंग कितनी अच्छी नहीं है, मगर आपको फिर भी दिखाई दे रहे होंगे कि ब्रेड पकोड़े हमारे काफ़ी बेहतर और अच्छे बने हैं। देखिए फ्रेंड्स, बने ना हमारे ब्रेड पकौड़े अच्छे, अभी देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स, उन्हें खाने में भी अच्छे ही लोंगे। और आपको ध्यान रखें, समोसे ब्रेड की सब्जी ऐसे ही बनाएं कि स्वाद बहुत अच्छा होता है, खाने में भी बहुत मज़ा आता है, कस्टमर भी इसे खुशी से खाते हैं। कई लोग तो ऐसे उठा उठा के पी जाते हैं सब्जी, इसकी इतनी बढ़िया लगती है इसकी सब्ज़ी। अब आपके मुद्दे वाली बात, अगर फ्रेंड्स आपको हमारा रेसिपी व्लॉग पसंद आया तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, थैंक यू सो मच। और आपको और कोई दिक्कत लगी हो तो उसे कमेंट बॉक्स में डाल दें। देखिए फ्रेंड्स, हमारे ब्रेड सीख चुके हैं, अभी से हम निकाल लेंगे अलग।